हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका शुक्रिया। अपने सब्सक्राइबर 5000 पहुंच गए, बहुत मेहनत की मैंने और आपने बहुत प्यार दिखाया, तो आज अपना चैनल 5000 सब्सक्राइबर में पहुंच गया है। 4 लाख के ऊपर व्यू हो चुके हैं, हमने देश के कोने कोने तक अपना मैसेज पहुँचा दिया कि श्रीराम या फाइनेंस कंपनी में भी जॉब होते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता था कि फाइनेंस कंपनी भी एक जरिया है जॉब करने का, अपने शहर में रह के अच्छे पैसे कमाने का। लेकिन हमने जो एक प्रण लिया था कि लोगों तक पहुँचाएंगे, जागरूक करेंगे और लोगों को सिखाएंगे कि फाइनेंस में कैसे काम किया जाता है, तो ये सफल हो रहा है। बस आपकी मदद, खासकर मेरे जो सब्सक्राइबर है, पद्मा कृष्ण है, सूरज भाई है, बहुत से मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। और थैंक्स टू पद्मा कृष्ण भाई के लिए, कल का जो उन्होंने कंटेंट बताया था बहुत अच्छा कंटेंट था। मेरा वो वीडियो कल का नंबर 1 पर रैंक कर रहा था, तो थैंक्स पद्मा भाई, आप ऐसे ही मेरे को कंटेंट बताते रहिए। सूरज भाई और अपने जिनको भी भूल जा रहा हूँ तो उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने आज निकाल लिया है इस ख़ास दौर पर फाइनेंस का कोर्स, जो आपको दुनिया में कोई बुक, कोई इंटरनेट, कोई चैट जीपी कोई नहीं दे सकता। ये आपको नॉलेज दे सकता है एक जो फाइनेंस में काम किया है, जिसने फाइनेंस में 10-15 साल निकाले हैं, वही आपको नॉलेज दे सकता है कि फाइनेंस कंपनी में कैसे काम करना है, फाइनेंस कंपनी में टारगेट पूरा कैसे करना है, फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन कैसे करना है। तो आपके लिए आपका भाई हाजिर है कि आप मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई हो, तो पहले लाइक ज़रूर कर दो यार। चैनल सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, अलग बात है, लेकिन लाइक ज़रूर कर दो। लाइक करने से क्या है, थोड़ी खुशी मिलती है कि, और कमेंट भी कर किया करो भाई को, काफ़ी अच्छा लगता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बात करूँगा, चलिए अपने ये फर्स्ट चैप्टर है कोर्स का श्रीराम, इसका तो महेंद्र का भी करेंगे अपन, टोटल खंगालेंगे ऐसे करके, ठीक है। और जितनी फाइनेंस कंपनी HDFC सबका पोथी पुराना लेके आपको सबका कोर्स करा दूंगा। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं, आप फाइनेंस के अर्जुन बन जाएंगे। बताया ना मैं आपकी खुशी इतनी डबल, इतनी क्या था, क्या वो डायलॉग था मेरा, मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, श्रीराम फाइनेंस कंपनी क्या है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी एक व्हीकल कंपनी है, आज वो मल्टी लेवल लोन बांट रही है। ये है श्रीराम फाइनेंस का पूरा बात। लेकिन मैं ये कब ओपनिंग हुई, क्या हुआ, मैं उस पर विषय बात नहीं करूंगा, मैं कट टू कट बात करूंगा। मेरे को ऐसे ही नहीं लिखना है, मुझको अपने कस्टमर को बताना है श्रीराम फाइनेंस कंपनी में कैसे काम करना है और कैसे पैसे कमाने हैं, ताकि वो जॉब ज्वाइन करे और उसको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, श्रीराम फाइनेंस उन लोगों को फाइनेंस करती है, सबसे पहले समझ लीजिए, जिनको कोई फाइनेंस नहीं करती है। जब श्रीराम की स्थापना हुई थी, जब उसके पहले एक दो बैंकें फाइनेंस करती थी और एक दो छुटपुट फाइनेंस कंपनियाँ थी, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों को फाइनेंस करती थी। श्रीराम ने देखा मार्केट में बहुत से गरीब लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, खासकर उन्होंने ट्रक ड्राइवर के बारे में सोचा कि ट्रक लेने में कितने पैसे लगते हैं, अगर ये गरीब आदमी जो ट्रक ड्राइवर है, इसी को ड्राइवर को ही हम मालिक बना दें, तो ऐसे करते करते हमारा धंधा ही बढ़ेगा और वो एक आदमी ड्राइवर से मालिक बन जाएगा। और हुआ ही ऐसे, श्रीराम फाइनेंस ने जत खत ट्रक ड्राइवरों को बिना गारंटी, हल्का फुल्का गारंटी में ट्रकें बांटने स्टार्ट करी, और वो ट्रक ड्राइवर आज करोड़पति बन चुके हैं, लखपति बन चुके हैं, 10-10 ट्रकें, 50-50 ट्रकें। श्रीराम ने पूरे वर्ल्ड में क्रांति ला दी, एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक मालिक बना दिया। फिर उसने कारें में, तो छोटे व्हीकलों में स्टार्ट किया, जैसे पिकअप में स्टार्ट किया, फिर कार में स्टार्ट किया, बाइक वाइक तो शुरू से कर ही रहा था, लेकिन उसने जो देश के लिए जो काम किया, वो एक करीब ट्रक ड्राइवर को उसने सरताज बना दिया और कह दिया कि अब राजा के बेटा राजा नहीं, जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा। तो श्रीराम फाइनेंस पे अब बता दूँ, काम करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए धैर्य, तो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आप थोड़ा चंटबंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं भी हो तो एक्टिंग कर लेना। श्रीराम फाइनेंस में ये सब बहुत जल्द चलता है, थोड़ा रफली काम है। देखिए, रफली काम है मतलब इसका ये है कि आप डिसिप्लिन श्रीराम में थोड़ा कम है ऑफिस जॉब में, ये सीख लो आप, ठीक है। आप कुछ भी पहन के कभी चले जाएंगे, आपका इन नहीं रहेगा, आप बाल कुछ, ये सब श्रीराम फाइनेंस नहीं देखती कि आपके कपड़े गंदे हैं कि क्या है क्या है, कुछ नहीं, आप कैसे दिख रहे हैं, आपका बाल कितना बड़ा है, वो श्रीराम फाइनेंस कंपनियां नहीं देखती है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी में रफली जॉब चलता है, आप कुछ भी आराम से
जैसे आप रहते हैं, जैसे आप उस टाइप ऐसे ऑफिस टाइप का ही नहीं, बाकी टाइप का आप रह के जा सकते हैं श्रीराम फाइनेंस कंपनी में, मतलब जॉब कर सकते हैं, आपको कोई भी कंपनी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन श्रीराम फाइनेंस कंपनी को चाहिए काम। श्रीराम फाइनेंस कंपनी पहले क्या करती थी, पहले करती थी प्रोडक्ट पे, लोन पे काम करती थी। पहले जैसे थे प्राइम एक प्रोडक्ट हो गया, ट्रकें हो गई, उसके बाद हो गया उसका सेगमेंट हो गया अपना ये पैसेंजर हो गया, उसका ये LCV हो गया, ऐसे हो गया उसका ट्रैक्टर हो गया, ये पले, ठीक है। अब वो फाइनेंस कंपनी काम करती है, एरिया दे दिया गया है पहले उसमें क्या बोलते हैं उसको सेगमेंट पे, अब एरिया, अब एरिया में आप कुछ भी कर सकते हो। आपको एरिया दे दिया जाएगा, ये एरिया आपका है भैया, दिल्ली नंबर वन, दिल्ली नंबर टू आपका है, इसमें आप कार से ट्रक जहाज प्लेन जो फाइनेंस करना है आप कर सकते हो। तनख्वाह भी अच्छी देती है, 19,500 तो मेरे यहाँ है, हर जगह का अलग है, आपके यहाँ कितना होगा लेकिन नहीं पता, लेकिन फिर भी 17-18 तो होगा। इसमें पेट्रोल इंक्लूड है, ठीक है। इसमें श्रीराम में फाइनेंस प्लस कलेक्शन दोनों करना पड़ता है। अब ये तो बात हो गया आपका थ्योरी का बात, अब मैं बताऊँगा आपको श्रीराम फाइनेंस कंपनी में काम कैसे करना है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी में आप अगर न्यूली इंटरव्यू का भी अलग एक कोर्स रहेगा, अगर श्रीराम फाइनेंस कंपनी में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वहाँ के जो स्टाफ होते हैं बहुत जलनखोर होते हैं, क्योंकि पैसे का मामला है, SCDC बहुत चलता है। SCDC का मतलब आप समझ गए होंगे, सर्विस चार्ज डॉक्यूमेंट चार्ज तो बहुत चलते हैं, कि नया नया आया ये भी कमाएगा करेगा, तो काफ़ी आपको दबाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी आपको सपोर्टिव नहीं रहेंगे, थोड़ा उखड़ा उखड़ा बात करेंगे। तो आपको जाना है एकदम बिना, आपने एंट्री ली, आपको वेलकम किट तो दिया और आपने एंट्री ली, आज से आपका जॉब स्टार्ट हुआ, तो 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ आपका। ट्रेनिंग के बाद बोलिए आप फील्ड पे जाइए, फील्ड पे जाएंगे जिसके साथ भी आप फील्ड पे जा रहे हैं उनके साथ जी सर हाँ सर का रखना, उनके सामने अगर कुछ करते भी होगे, सिगरेट विगरेट कुछ भी पीते होगे तो नहीं पीना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जितना हो सके कम बात करना, उनको फ्रेंडली मत बनाना, क्योंकि वही लोग जब आप काम करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपकी कमजोरी जान जाएंगे ना, तो वही लोग आपके पीछे में बूम मारने में लग जाएंगे। ये मैंने बहुत देखा है। आप जो काम करना है अकेले में आपको बहुत टाइम मिलेगा, आप सब कुछ करके आ सकते हो, लेकिन सीनियर के सामने ऐसा मत करना, बस जी सर अच्छा सर अच्छा व्यवहार बना कर रखना उनसे, क्योंकि फाइलें भी उनसे मिलेंगी आपको तो, लेकिन उनके सामने ऐसा मत दिखाना कि आप कहीं से भी लूज हो, आप कहीं से भी डम हो, आप कहीं से भी आप में कमजोरी है, क्योंकि ये पता चल गया आपको जिस दिन या उनको, वो आपको इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे, नया नया कहाँ गया था फोन कर, अभी आप फील्ड पे हो, कहाँ पर हो, फील्ड में हो, कौन सा फील्ड में हो, सर मैं ये इस फील्ड में हूँ, ठीक है, शाम को 10 आदमी का नंबर लेके आए, तू क्या चार्ट डालेगा 10 आदमी का नंबर, है BM नहीं मांग रहा है, मेरा प्रोडक्ट वाला है मम्मी मांग रहा है, तो ऐसे करते हैं। किसको भी क्या, नया आदमी गया है यार, कहाँ गया है, अरे फील्ड पे निकला हूँ, बोला अरे कुछ नहीं फील्ड पे जाने वाला नहीं है, ये फलना आदमी जाएगा हूँ फिर निकल गया होगा, चाहे इसको देख मैं लगाता हूँ लाइन पे, फ़ोन करेगा 10 आदमी का फ़ोन नंबर और एड्रेस लेके आना उस लाइन से, ये क्या बात हुआ, ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने देना ही नहीं है, उनको मुंह लगने देना ही नहीं है, उनको जितना उनका काम है वो कर दो, जब तक आपका कोड नहीं बनता है, हो सके तो जल्दी कोड मंगाओ, और जिस दिन कोड मिल गया आपको, आपका कैटलॉग मिल गया आपको, पोर्टफोलियो मिल गया कस्टमरों का, कि इनसे फाइनेंस कलेक्शन लेना है, क्योंकि श्रीराम में फाइनेंस प्लस कलेक्शन दोनों होता है, तो आपको जिस दिन ये मिल गया तो आप उनको नमस्ते प्रणाम जय जय बाबा जी बोल के हट जाओ, मिलो नमस्ते हाय करो, लेकिन उनसे एक अलग, और जब भी आप श्रीराम में आप जाओ न्यू तो अपना एक अलग कुर्सी चुन लो, वहाँ पर हर आदमी का एक टेबल रहता है, पर्सनली रहता है, तो खाली होगा नहीं तो वहाँ के ऑफिस वाले को बोलना मेरे के लेको यहाँ पर एक कुर्सी लगा दे, और उसी कुर्सी में बैठना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ आज बैठ रहे हो, आप यहाँ आज बैठ रहे हो, आप यहाँ आज बैठ रहे हो, आपका एक वो होना चाहिए कि ये आदमी यहाँ बैठता है, तो परमानेंट आपका वहाँ पर वो जगह हो जाएगा, कभी भी कोई आपकी जगह नहीं बैठेगा, वो आपकी जगह फिक्स हो जाएगा। तो हर ऑफिस में अपना जगह फिक्स करेंगे तो ये साइंटिफिक बहुत काम करता है, आप लंबे समय पे काम करेंगे, मेरी बात मान लीजिए। मैंने जो चेयर पे स्टार्टिंग की थी, मैं लास्ट तक श्रीराम में था तो उसी चेयर पे बैठता था। बहुत लोग पूछते हैं सर कि आपने श्रीराम फाइनेंस क्यों छोड़ा, तो मैं अभी आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा, अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा मैं श्रीराम फाइनेंस क्यों छोड़ा था, मेरी मजबूरी क्या थी, उसके पर मैं वीडियो बाद में आप बताऊंगा अगर कमेंट करेंगे तो। उसके बाद आप फाइनेंस को कोड मिल गया आपका, आपको फील्ड दे दिया गया, एरिया दे दिया गया, यहाँ पर जाइए, आपको लोन बांटना है, रीफाइनेंस करना है, नई व्हीकल करना है, गोल्ड लोन करना है, आपको
बिजनेस लोन करना है, बिजनेस लोन शायद आजकल नए लोगों को दे रहे हैं, फिर भी आपको आपके एरिया में अगर कर सकते हैं बोला जाए तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, श्रीराम के कस्टमर जो हैं वो हैं एकदम बी ग्रेट कस्टमर हैं श्रीराम के, जो बहुत गरीब हैं, जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो गांव वाले हैं, जिनका सिर्फ छोटा मोटा धंधा पानी, ये आपके ऑडियंस हैं। आप इनको पकड़िएगा, आप बड़े बड़े लोगों के पास मत जाना कि शहर का भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, इसका बहुत बड़ा होटल है, इसका बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा ठेकेदार है, वो आपसे लोन लेगा नहीं। वो श्रीराम में हो तो आपसे लोन लेगा नहीं, लिख के ले लो, भले दो चार का बहुत पुराना संबंध होगा तो ले लेगा, वो भी बीएम के हाथ से लेगा, वो भी बहुत नाटक करके लेगा। तो आप लोग इनके पास जाना नहीं, फालतू मुंह का बात सुनना नहीं। सी आपको कस्टमर चाहिए तो मैं दे रहा हूँ ना, आप टाटा के शोरूम में जाइए, आपको न्यू व्हीकल, देखो श्रीराम में न्यू व्हीकल बहुत कम उठती है, न्यू व्हीकल ज़्यादातर महिंद्रा उठा लेती है या फिर चोलामंडलम उठा लेती है या मैग्मा उठा लेती है, क्योंकि अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। अपन मेन ज़्यादा फोकस करो रीफाइनेंस में, क्योंकि आपको फाइनेंस भी, न्यू फाइनेंस भी करना है, रीफाइनेंस भी करना है, ओल्ड भी करना है, ये फाइनेंस भी करना है। तो आप ज़्यादातर देखो रीफाइनेंस, रीफाइनेंस में जिसके भी 5-6 के स्टूडियो हैं टोटल, फट से बोलो सर आपका 5-6 की स्टूडियो हो गया, आप गाड़ी की हार्ट ब्रेकेट में कैसा गया है, आप एक रीफाइनेंस लीजिए, इसको उसको चाहिए तो उसको रीफाइनेंस कर दीजिए, एक फाइल में आपको मिल गया। उसके अलावा आप श्रीराम के कस्टमरों का लिस्ट निकालिए, जो उसके एग्जीक्यूटिंग कस्टमर हैं, जो पुराने कस्टमर हैं, उनसे ही जाके मिलिए। और फील्ड पे भी जाएंगे तो देखें, जहां गरीब देखेंगे ना, जहां मतलब मीडियम क्लास के लोग देखेंगे, वहां पर आप जाके इंक्वायरी कीजिएगा, सर मैं श्रीराम फाइनेंस से आया हूं, सर मैं इस एरिया में ट्रकें कारें होम लोन हाउस लोन दुनिया जो जो आपका लोन रहेगा मैं सब फाइनेंस करता हूं सर, अगर किसी भी आपको दोस्त को ज़रूरत होगा तो बिल्कुल मेरा नंबर रख लीजिए या मेरा कार्ड रख लीजिए, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो पूछेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, हम 3 दिन में कर देंगे, हम आपको जितनी सहायता, बस आप हमारे डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा नहीं है, बस एक गारंटर आप हमको दे देना, मैं आपको लोन 2 दिन में दिला दूंगा, भले आप उसको लोन करने में 1 हफ्ता लगा दो, करने आ गया ना तो हो जाएगा लोन। ठीक है तो ये है श्रीराम का पॉलिसी नंबर, अभी नंबर तो बताया नहीं मैंने, ठीक है। इसमें श्रीराम में खास बात और ये है कि आप अगर टूर पे निकल रहे हैं, कुछ भी निकल रहे हैं, तो बीएमईएम को बता के निकलिए, बिना बताइए कुछ काम मत करिए, क्योंकि स्टाफ लोग आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। प्लस आप श्रीराम में जो ऑफिस बार है उसको अच्छा सेटिंग करके रखिए, क्योंकि आपको आधी फाइल है वो 2 महीने की 2 फाइल तो वो आपको दे ही सकता है, ठीक है। प्लस बैक ऑफिस से भी काफ़ी अच्छा संबंध रखिए, क्योंकि होता क्या है जब फाइलों का ढेर लगता है ना, और आपका फाइनेंस करना बहुत ज़रूरी है, मान लो आपको एक फाइल मिल गई कि बोला भाई मेरे को कल सुबह तक गाड़ी उठाना ही है कैसे भी करके, नो प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब बैक ऑफिस वाला आपका सपोर्ट में होगा। अब आपने फटाफट उठ से साइन करा लिया, नया गाड़ी उठा रहा है, आपको फाइल भी मिल रहा है, अच्छे पैसे भी मिल रहे, करा लिया, अब जाके दिया बैक ऑफिस में, ठीक है, बैक ऑफिस वाले को दिया। अब आप तो नहीं कर सकते, बाकी का फाइल अपलोड करना आपका काम तो नहीं है, कस्टमर वेरिफिकेशन करना आपका काम तो नहीं है, वो तो बैक ऑफिस वाला ही करेगा। अब उसके पास पहले से इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं, बोलेगा नहीं यार मैं इसको अभी इतनी फाइल देख रहा है, सब नीचे रख। अब जो बाकी जो फाइलें हैं उनका अगर 4 दिन भी रुक जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको अभी नहीं करा, किसी का रीफाइनेंस है, किसी का वो फलना फाइनेंस है, किसी का ये है, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट है। तो जो बैक ऑफिस वाले हैं उनसे भी आप अच्छे संबंध रखिए, कैशियर से भी रखिए, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। बैक वाले ऑफिस वाले से अच्छे संबंध रखेंगे, उनको चाय नाश्ता वाश्ता के लिए पूछेंगे, उन लोग चाय, बैक ऑफिस वाले चाय नाश्ता के बहुत बड़े भूखे होते हैं बेचारे लोग, एक्स्ट्रा इनकम होती नहीं है, शाम को उनको खाने का इच्छा करता है तो एक्स्ट्रा कमाई नहीं है तो नहीं खा पाते हैं, तो उनको अब शाम को 2 बैक ऑफिस वाले बन गए, समोसा ले आइए, कभी चाय ले आइए, कभी वो ले आइए, ऐसे मतलब दोस्ती बढ़ाइए। तो क्या करेंगे, जैसे आपका फाइल है ना, जो आपका फाइल जो इन फाइलों के बाद जाना था वो फाइल आपका तुरंत कर देंगे, सर प्लीज़ अर्जेंट है, वो कल गाड़ी उठाएगा, आप मुझे आज फाइल डिस्क्लोज करके दे दीजिए, मेरे को ऑफ वो लेना है सर, डिलीवरी ऑर्डर लेना है, डीए लेना है, डीओ लेना है, डिलीवरी ऑर्डर लेना है, और गाड़ी को कस्टमर को देना है ताकि वो कस्टमर गाड़ी उठा सके, कल उसके बच्चे का बर्थडे है, झूठ बोल देना या खुद बोल देना भैया उसकी माँ का बर्थडे है, कुछ भी है, कल ही उठाएगा, कल के बाद गाड़ी नहीं उठाएगा, ऐसा बोल देना अगर जल्दी है, अगर नहीं कर रहा है तो बीएम से बात करना, सर फलना बात है, कल अगर नहीं दे कर पाएंगे तो उसकी माता का बर्थडे है, वो बोलता है कि मैं गाड़ी लूँगा ही नहीं, लंबा लगा देना, झूठ सभी झूठ बोलते हैं, आपको आप झूठ बोलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ गया, ठीक है। तो श्रीराम फाइनेंस में ये जब जॉब करें तो ये सब बातें, बैक ऑफिस को संभाल रखना।
प्लस कैशियर को भी संभाल कर रखना, क्योंकि आपके पास होती है टीआर बुक, ठीक है। अभी तो मशीन आ गया है, लेकिन फिर भी पैसा तो आपके जेब में होता है ना, पैसा तो आपके जेब में होता है। बाई चांस उसमें से पैसा कुछ खर्चा हो गया आपका, बाई चांस नहीं होना था खर्चा हो गया, गिर गया थोड़ा पैसा, या ज़्यादा का बात नहीं कर रहा, ज़्यादा होगा तो बहुत बड़ी बात हो जाए, 1000-2000 का अगर बात होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, कैशियर एडजस्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि वो अपने जेब से भर देगा, बोलेगा ठीक है अभी रहन दो इसको, जैसे ही 2-4 दिन में होगा पैसा आप अरेंज करके मेरे को ला के दे दो ना, मैं चढ़ा दूंगा बोल के, ये आपको बचा देगा, क्योंकि आपको वो पैसा आपके नाम पर चढ़ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा कि आपने पैसा खा दिया, वो कस्टमर के नाम पर ही चढ़ना है, वो कर सकता है सिर्फ कैशियर। इसलिए कैशियर साथ भी अच्छा सेटिंग बना के रखिए, होल स्टाफ साथ में अच्छे सेटिंग, बैक ऑफिस कैशियर अब आपके फाइनेंस का कोई मतलब नहीं, अच्छे लोग रहते हैं, खराब भी रहेंगे तो आपसे उनको कोई मतलब नहीं, उनसे मस्त काम निकालना है, ऑफिस बाय पैसे दो काम निकालो, लेकिन आपके साथ जो बैठते हैं जो आपके समकक्ष के सीनियर हैं उनसे सिर्फ हाँ हल्ला दोस्ती हल्ला इतना ही, काम कुछ नहीं आने वाले ये लोग, हाँ लेकिन परेशान जरूर करने वाले हैं इन लोग, आपको भगाएंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ये लोग अगर आप में टैलेंट है, आप में बात करने का अच्छा, जहां लगे कि आप आगे बढ़ रहे हो तो ये सबसे पहले टांग खींचने में लगेंगे, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में जो आदमी पैसे कमा रहा होता है, पैसे कमाने लग जाता है, या उसको पैसे की क्या बोलते हैं उसको पैसे का खून लग जाता है ना, तो वो फिर बोलता है कि मुझको ही मिले, या फिर आपसे चिढ़ने में लगेंगे, आपका इंसेंटिव आएगा, आपका तारीफ होगा, आपका अच्छे से अच्छे इंसेंटिव कमाएंगे, 30,000-35,000 तो चिढ़ने लगेंगे आपके बारे में लोग, फिर तरह तरह का आपके साथ गोटीबाजी करने लगेंगे आपके खिलाफ, तो उनसे मुंह लगाना नहीं, अपना कमजोरी अपना फॉल्ट किसी को भी शेयर नहीं करना है कि दारू मेरा फॉल्ट है, मेरे सिगरेट मेरा फॉल्ट है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फॉल्ट है। दारू पीते हो पियो, सूढ़ी में पियो, बताना नहीं किसी को मैं दारू पी के आया था यार, वहाँ गया था पार्टी की, मैं सिगरेट कहाँ गया, ऐसा सिगरेट पी के रहे नहीं, काम से गया था चाय पीने का था। गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहे हो, बिल्कुल मन बताओ गर्लफ्रेंड से, सर मैं तो गर्लफ्रेंड, कोई लोग बताते हैं ना होशियारी के लिए कि हमारे पास गर्लफ्रेंड है, देखो सर देखो गर्लफ्रेंड आके भाभी से मिलने गया था, तो वो कुछ नहीं बोले, बाद में दूसरे को बोले, देखा ड्यूटी पीरियड में इन लोग गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, ये बात पहुंचे कि बीएम तक अपने आप कानों खुशी पहुंचा, देखो सर इन लोग नए नए काम पे लगे हैं और ड्यूटी पीरियड में जाते हैं गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा बात आ जाएगा। बीएम बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन जब उसको पॉइंट मिलेगा ना कि वो आप बोलोगे जैसे फाइल नहीं हो पा रहा, तो कहाँ से फाइल मिलेगा यार, तुम लड़कियों के पीछे भी भागोगे, क्या तुमको फाइल मिलेगा। चाणक्य इस बात भी बोले हैं कि कम बोलो और उतना ही बोलो जितना लोगों की ज़रूरत है, बाकी लोगों को सुनने से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन सुन लिए तो उनको जो बातें खराब लगी उससे आपका काफ़ी कुछ बिगाड़ सकते हैं ये लोग। और दुनिया में विश्वास करो सिर्फ एक ऊपर वाले पे, अपने पे माता पिता, भाई होगा तो भाई, बाकी की दुनिया पे आप विश्वास मत करो। मैंने 14-15 साल फाइनेंस लाइन में निकाल लिए हैं, एक अच्छा दोस्त ही बना पाया मैं, दोस्त सब हैं मेरे और सब बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन अच्छा दोस्त जो मैं साथ डेली जाके शाम को बैठूं ऐसा दोस्त नहीं बना पाया, क्योंकि सब प्रोफेशनल वाले दोस्त हैं, सब अपने जॉब वाले दोस्त हैं, सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं, तो हम भी अपने काम से काम का मतलब रखें ना, हम क्यों उनको सर पर चढ़ा के बैठे कि मेरा बहुत प्यारा दोस्त बन गया फाइनेंस कंपनी में, इसको तो सारे राज की दिल की बात खोल देता हूँ, वह सब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। प्लस आप जब फाइनेंस करने जाएँ, कलेक्शन करने जाएँ, अगर आपको पैसे मिले, कोई कस्टमर देता है तो बताना नहीं किसी को, ये देखो मैं उसके पास गया था मेरे को पैसे मिल गए, कुछ नहीं मिले दवा दो खत्म बात, वो कस्टमर ने आपको दिए ना खत्म बात, लेना नहीं। मेरा चैनल इस चीज़ को बिल्कुल नकारता है कि आप एक्स्ट्रा पैसा कमाई करो, जो आपको तनख्वाह इंसेंटिव मिल रहा है वही रहो, मेरा चैनल मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता है, बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं कोर्स के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का एक आप अपने आप को सिंपल लेकर चलें, ज़रा बात ना करें, ज़रा दिल की बात ना खुल के करें, और काम से काम मतलब रखें, और मंडे टू फ्राइडे डिट दिल खोल के वर्क करें। मैं 2 दिन छुट्टी हुई, एक दिन एक मेरे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछ लिया, सर मंडे टू सैटरडे होता है यार, आपने से फ्राइडे बोला, मैंने बोला मंडे टू फ्राइडे काम करो, 2 दिन काम मत करो, सैटरडे को जाओ ऑफिस, जाओ घूमो, चाय पीनो, पियो, हाँ 1:30-2 बजा हाफ डे हो गया, निकल जाओ, हाफ डे तो रहता है शनिवार को, निकल जाओ सीधा सोमवार को पहुंचो। मैं ये बोला, मैं ऐसा बोलने का मतलब नहीं था कि आप शनिवार को ऑफिस ना जाओ, उस नहीं जाओगे तो आपको तो शॉर्ट लग जाएगा अटेंडेंस। मैं मंडे टू फ्राइडे काम करने बोला, वर्किंग आवर करने बोला, 2 दिन आपको आराम कर सकते हो, लेकिन कई बार होता है कि संडे को लोग फ्री मिलते हैं, तो
कोई ट्रक ड्राइवर वाला है, कोई जो ऑफिस जॉब वाला है, वो संडे को फ्री मिलेगा नौकरी वाला, तो संडे को भी काम एक दो घंटे को जाना पड़े तो कोई बात नहीं, घर से चल दो तो एक दो घंटे के लिए उसे साइन फाइल साइन कराना है, कुछ लेना है कर लो। आप फाइनेंस कंपनी में लग गया हो ना तो आप दिन भर वर्क करते रहो। और अपना बता रहा हूँ, ये जो प्रेशर है, आप जो प्रेशर बोलते हो, बहुत बड़ा बोलते हो कि प्रेशर देते हैं, प्रेशर आप लो, लेकिन प्रेशर ये लो कि मुझे इस मतलब मुझे इस मैंने 5 फाइल करने को कहा गया है यार, नहीं मैं 7 फाइल करूंगा यार। प्रेशर उनके लिए मत लो, प्रेशर अपने लिए लो कि मुझे 7 फाइल करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, कहीं से भी कैसी भी गोटीबाजी करके मैं 7 फाइल तो मेहनत से करूंगा ही। और जब आप 7 फाइल करोगे तो आपको खुशी भी अच्छा मिलेगा, और नहीं भी कर पाओगे तो ये प्रेशर आपका खुद से है, तो आप नॉर्मल कर सकते हो ना, आप खुद का प्रेशर है ना। यही बात कोई सामने वाला बोल दे क्या यार 4 फाइल नहीं हुआ तो आपको दिल में लग जाएगा। हालांकि फाइनेंस कंपनी में दिल में लगने वाली कोई बात होती नहीं है, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, बस जूनियर सीनियर हैं, बाकी सब बराबर है। जब कंपनी का जब पार्टी होता है ना तो वो भी वही खाना खाते हैं, आप भी वही खाना खाते हो। जब कंपनी की मीटिंग होती है तो वो भी वहीं बैठते हैं, आप भी वहीं बैठते हो। जब कंपनी के जब कोई आता हो, कुछ निकलता है, कुछ बोनस गिफ्ट तो आपको भी मिलता है, उनको भी वही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, समझे। इक्वल हो, बस पद में वो बड़ा है, कल आप भी होगे, वो भी आपके जैसे थे, आज वहाँ पर करते 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 बड़े। और श्रीराम में खास बात ये है कि एग्जीक्यूटिव को ही वो BM, CM, स्टेट हेड, रीजनल हेड बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे जो कस्टमर हैं वो थोड़े अनपढ़ हैं, देहाती कस्टमर हैं, ये ऐसे लोग से बात करना और ऐसे लोग से पैसा निकालने का काम कोई भी MBA वाला या MTech वाला या कोई बड़ी डिग्री वाला नहीं कर सकता। ये लोकल लोग जो लोकल भाषा में बात करते हैं यही लोग कर सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है शहर के टैक्सी वाले डॉन के पास जाके वो महीने के महीने किस्त निकाल सके। दोस्तों ये सिर्फ आप कर सकते हैं जो लोकल लोग हैं वहाँ के, बाकी की तो बात ही नहीं है। इंग्लिश बोलना नहीं है, हिंदी में सब काम करना, हो सके तो अपने मदर लैंग्वेज में बात करो, काम करो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे कि श्रीराम फाइनेंस का ये मैंने कोर्स जो बनाया है, ये कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बातें जो हैं आप गार्ड बांध के सीख लो। ये चैप्टर 1 था और मैं कल लाऊंगा चैप्टर 2, जिसमें कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, और भी श्रीराम फाइनेंस की कुछ डिटेलिंग बताऊंगा, अंदर की बातें, कहां से पैसा आता है, क्या होता है, कैसे है, कैसे मैनेज करना है, वो सब बताऊंगा। फिर उसके बाद अपन जाएंगे चोलामंडलम, बनाएंगे फिर चोलामंडलम का कोर्स, फिर उसके बाद अपन महेंद्र का बनाएंगे, फिर बजाज का बनाएंगे, टोटल अपन अपने चैनल पे फाइनेंस के कोर्स उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इसकी बुक पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। फाइनेंस में जॉब कैसे करना है ये बुक आप ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। ये बुक मिलेगा आपको सिर्फ फाइनेंस ज्ञान में, और लिखा हुआ श्री प्रतुल चौधरी के द्वारा ही मिलेगा। तो दोस्तों चैनल कैसा लगा, दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और एक अच्छा टॉपिक देना, इसको चलाएंगे उसके बाद बनाएंगे, टॉपिक देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय और शुक्रिया।